बस आई, बस चले गई है, छोड़ गई है सब सामान यहाँ पे, यात्री परेशान है। तो देखिए दोस्तों कितनी तेज बारिश होने लग गई है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हम लोगों को बेताल घाट भी जाना है और वहाँ से आगे फिर बिनसर महादेव। तो जैसे ही बारिश बंद होती है फिर निकलते हैं यहाँ से, तो वेट करते हैं थोड़ी देर बारिश बंद होने का, फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज चुके हैं 3:30 और अभी हम लोग आए हैं बिनसर महादेव। पीछे देखिए बिनसर महादेव का टेम्पल, और अभी हमें जाना है आगे, एक टेम्पल और है चमन खान गोयल देवता, जो उत्तराखंड के लोग होंगे उन्होंने सुना होगा। तो अभी चलते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है, एक नया विजिट करके आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं चमन खान गोयल देवता के मंदिर में। मेरे पीछे देखिए ये आदि प्राचीन, जिसे भीमशिला भी बोला जाता है कई जगह, और ये है मंदिर में जाने का मुख्य द्वार। तो चलते हैं अंदर, लोकेशन देखिए क्या शानदार, यहाँ सामने रानी खेत भी दिख रहा है क्लियर। ये देखिए कितनी सारी घंटियाँ यहाँ पर चढ़ाई गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या शानदार लोकेशन है, पूरा व्यू दिखाता हूँ 360 आपको। तो देखिए दोस्तों क्या शानदार लोकेशन है चमन खान टेम्पल की। पीछे देखिए दूर तक खूबसूरत वादियाँ, इन्हीं वादियों के लिए उत्तराखंड बहुत फेमस है। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हम लोग मंदिर के मुख्य प्रांगण में, और सामने देखिए गोलजी महाराज की मूर्ति स्थापित है, और मंदिर के ठीक बाहर ध्वनि जलाई गई है देखिए। तो अभी आ गए हम मंदिर के अंदर, और ये देखिए यहाँ पे शिलाओं से उत्तराखंड के जो इष्ट देवता होते हैं उन्हें दर्शाया गया है, और मुख्य मूर्ति के रूप में गोलजी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और चारों तरफ दिखाता हूँ मंदिर के अंदर कैसा है, ये देखिए गणेश की मूर्ति भी स्थापित है और एक ज्योति जलाई गई है। और मंदिर में देखिए कितने सारे भेंट आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे भेंट चढ़ाई गई है बहुत सारे धन के रूप में। तो ये है मंदिर चमन खान का। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है 4:30 का, तो चलते हैं अब घर की ओर। तो फ्रेंड्स हमने घर पे ताला लगा लिया है, अब चलते हैं रामनगर को। अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, सभी लोग जा रहे हैं, दिल्ली वाले दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं रामनगर को। इकट्ठे बट्टे तैयार कर दिए हैं, ये छोटा वाला ले जाता हूँ मैं, कटहल है इसमें। चलो भाई वो बैठा हो, आओ मौसी। अरे सिलेंडर कहाँ ले जा रहे हो, देना है। इसको तो ब्लॉग वीडियो बना रहे हो हमारा, तो क्या हो गया ला पकड़ो इसे, वो इसको पकड़ लो, मैं सिलेंडर पकड़ लेता हूँ। कितना भारी है, हल्का है ना भैया, भारी है, भारी है इससे अच्छा सिलेंडर। वही तो तहन बजे दीप हमारे से आया हो, पटाम पीड़ा है सर। अभी सब लोग जाने लग गए हैं दिल्ली, भाभी भी जाने लग गई दिल्ली को। अभी बुरा तो लग रहा है, डांट तो नहीं मारोगे? ना यार, जाते टाइम फोन मारते। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रामनगर को, और मेरे साथ अभी सामान ले जाने के लिए, तो बता घर जाएंगे ना वापस आज। ये है हमारी ताई जी की लड़की की लड़की है ना,
यानी इसका नैनीहाल है हमारे वहाँ, और ये रहती है ओचाकोट। इसका नाम है, क्या नाम है? नीतू बोहरा। और वो इंस्टाग्राम आईडी बता दे। निक्कू बोहरा। निक्कू बोहरा। कोई फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर लेना। गंदे नहीं करना है। गंदे कमेंट मत करना। कुछ भी मत बोलो यार तो। अरे कम कम सारो भाई मायके से। क्या करूं, आए हैं तो ले जाते हैं आम कटहल और कुछ छोड़ तो नहीं है बाकी अपने आप को। चलो फिर चलो। ठीक है। के सामान तो लोगे तुम्हारे? ठीक ठीक। ये धूप लग रही है, गर्मी हो जाएगी। लाल तो फटा उड़ गया। क्या आम इसमें? लाओ आम, लाओ हमारे। आपके आम। धन्यवाद। दिल्ली जाने वाली भी गाड़ी आ गई है। सामान देखिए कितना ज्यादा रखा हुआ है, सब दिल्ली जाएगा सामान। मम्मी आएगी बस में। जाने लग गए हैं सभी लोग, गाड़ी में बैठते हैं अब। तो भला ठीक है मनु है, फिर मिलते हैं कभी आके। हाँ हाँ आएंगे तुम्हारे घर पे, आएंगे घूमने के बाद। अच्छा हाथ में तेरा कोई डर नहीं है? किसी का मुख्यमंत्री किसी का हट जाएगा ना उनके पास। हां भी बात कर दिया मैंने सर, आप क्यों आ गए? ये बोल रहा है आप क्यों आ गए? हां ना कौन से हम मिला हाय बाय कर दे बाय वो देख कब बोल रहा है लो क्यों रो रही हो? अरे अरे टाइम मत लगाओ आगे लपक रहा है। डांट पर जा रहा है नारा। ठीक है भाई, ठीक है हम भी चलते हैं। चलो बाय बाय। ओके बाय बाय। यहाँ से जाओ, जहाँ भी जाओ जल्दीबाजी मत करो। ना जल्दीबाजी नहीं है रामा, मत करो रेस में आदमी। भैया शिवो बस छोड़ गए इनको, बस छोड़ गई, बस पहुंच गई यहाँ। सामान भी बहुत ज्यादा हो गया ना बस के पास, ये तो सामान है धरियो, सामान देखो भाजू को। अभी बस आई, बस चले गई है, छोड़ गई है सब सामान यहाँ पे। यात्री परेशान है। अरे तो पहुंच गए बस वहाँ, देखिए बस बस गई सब यात्री यहीं छूट गए। ड्राइवर कंडक्टर हमारे अपने खास आदमी है, लेकिन जो जगह ने कहा वो भी ऐसे ऐसे कहते हो तो भी यही ऐसे कहते।